भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के लिए टीम में बड़े बदलाव किए गए थे। बैकअप विकेटकीपर केएस भरत ने इस सीरीज के जरिए अपना टेस्ट ट्यूब किया और ईशान किशन को बतौर बैकअप विकेटकीपर के रूप में टीम का हिस्सा बनाया गया। टेस्ट क्रिकेट में पंत टीम के लिए शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या केएस भरत ऋषभ पंत की कमी पूरी कर रहे हैं? आइए जानते हैं अब तक उनका प्रदर्शन कैसा रहा। पर उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। केएस भरत ने नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया था और अब तक वो सीरीज के तीनों मैचों में टीम का हिस्सा रहे हैं। तीन मैचों की पांच पारियों में भरत के बल्ले से महज 14.25 की औसत से 57 रन निकले हैं। इसमें उन्होंने नागपुर टेस्ट में 8, दिल्ली टेस्ट में 6 और 23 तथा इंदौर टेस्ट में 17 और 3 रन बनाए हैं। 2020-21 में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऋषभ पंत ने कुल 3 मैचों की 5 पारियों में 68.50 की औसत से कुल 274 रन बनाए हैं। इसमें उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए थे। वहीं पंत ने गाबा में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में 89 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी। उनकी इस अहम पारी में कुल 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। दोनों के आंकड़े देख यही लग रहा है कि इस बार भारतीय टीम को ऋषभ पंत की काफी कमी खली है। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन के सामने शानदार लय में दिखते हैं। पंत स्पिन बॉलिंग को काफी आक्रामक रूप में खेलते हैं। अब तक टेस्ट क्रिकेट में पंत लियोन की गेंदबाजी पर 45.8 की औसत और 67 के स्ट्राइक रेट से कुल 229 रन बना चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अपनी राय जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।